कहें कि भारत में एक ऐसा अनोखा गांव है जहां पर एक दूसरे को लोग नाम से नहीं गाने से बुलाते हैं। आप भी जानकर हंस पड़ेंगी ये कैसे संभव है, लेकिन ऐसा ही है मेघालय के गोंगथोंग गांव में। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया के साथ उनका खास सेगमेंट गजब की बात। आज हम आपको बताएंगे गोंगथोंग गांव में लोग एक दूसरे को उनके नाम से नहीं बल्कि अलग राग या विशेष धुन से बुलाते हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र को विस्लिंग विलेज कहा जाता है। इसके साथ ही गोंगथोंग ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो मेघालय राजधानी के शिलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस गांव के लोग अपने गांव वालों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए सीटी बजाते हैं। गोंगथोंग के ग्रामीणों ने इस धुन को जिंगवई लुबई कहा है, जिसका अर्थ है माँ के प्रेम का गीत। गाँव वालों के दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा गाने का नाम। गाने के नाम के दो प्रकार हैं, एक लंबा गाना तो एक छोटा गाना। छोटा गाना आमतौर पर घर पर इस्तेमाल किया जाता है और लंबा गाना बाहर के लोग प्रयोग करते हैं। गोंगथोंग में लगभग 700 ग्रामीण हैं और उनके हिसाब से उनके यहाँ गांव में 700 अलग अलग धुने हैं। खासी जनजाति के एक व्यक्ति और गोंगथोंग के निवासी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए ये बताया कि एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए एक धुन का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माताओं द्वारा बुनी जाती है ये धुन। यदि कोई ग्रामीण मरता है तो उसके साथ उसकी व्यक्ति की धुन भी मर जाती है। हमारी अपनी धुनों भी हमारी माँ ने बनाई है। हमने धुनों के दो तरीके से इस्तेमाल किया गया, एक लंबी धुन तो एक छोटी धुन। ग्रामीण ने बताया कि हमारे गांव में ये छोटी धुन हमारे घर के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरी माँ ने मेरी धुन खुद बनाई थी। ये अरेंजमेंट हमारे गांव की पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमें भी नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन सभी ग्रामीण इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके साथ ही एक नया बच्चा पैदा होने के साथ एक नए गीत की पैदा होती है। यही एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका धुन भी वहीं मर जाती है। उस गीत या धुन या फिर उसके उपयोग नहीं किया जाता। ये प्रणाली परंपरा रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हम इन प्रथाओं को जारी रखकर इसे और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।